मुस्लिम ममालिक हैं, मुस्लिम देश हैं, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा इसराइल को लेकर गुस्सा है कि फिलिस्तीन के आम नागरिक हमास के ऊपर जो कार्रवाई कर रहा है, जो बम्बार्डमेंट कर रहा है इसराइल, उसकी वजह से उनकी मौतें हो रही हैं। और इसी की वजह से आज जुम्मे के दिन एक बार फिर से मुंबई के सुन्नी लाल मस्जिद में इसराइल के खिलाफ हलाकत और फिलिस्तीन के आम लोगों के लिए दुआ पढ़ी गई है। और उसकी तस्वीर हम आपको इस समय दिखा रहे हैं कि यहाँ पर अपने तरीके से एक मैसेज देने की कोशिश की गई है, क्योंकि जो हाथ आप इस समय मासूम बच्चों के देख रहे हैं वो लाल रंग से यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो ब्लड शेड इस समय इसराइल में हो रहा है इसराइल के बम्बार्डमेंट की वजह से, आम जो बच्चे हैं, औरतें हैं फिलिस्तीन की, उनकी जो मौत हो रही है उसको सिंबलाइज करने के लिए, उसको दिखाने के लिए यहाँ पे छोटे छोटे मासूम बच्चों के हाथों में लाल रंग है। और साथ में प्लेकार्ड भी अपने आप में सारी जो मैसेज है वो बयां कर रही है, इजरायली ब्लड ऑन द योर हैंड्स, यानी इजरायलियों के हाथ पे वो खून के धब्बे हैं, वो खून लगने का इल्ज़ाम है जिनके बम्बार्डमेंट की वजह से आम लोगों की मौतें हो रही है। छोटे छोटे बच्चों की तस्वीर भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, जो बम्बारी हो रही है उसमें जो बच्चे यतीम हो जा रहे हैं, घायल हो जा रहे हैं, उनकी भी तस्वीर रोते हुए आपको यहाँ पर दिख जाएगी। लगातार जो विरोध है स्टॉप वॉर अगेंस्ट फिलिस्तीन, इस तरीके के जो है प्लेकार्ड भी यहाँ पर दिख जाएंगे। मौलाना नूरी साहब खुद यहाँ पर मौजूद है जो रजा अकेडमी पेश की थी, उसी को हमने पेश किया है कि फिलिस्तीन के हिमायत में इजराइल को जेल देना बंद किया जाए, उसे किए जाए और उसके प्रोडक्ट बंद किए जाए, उससे तजारती को जो कायम है वो हर सूरत में बंद होना चाहिए। उससे ये होगा कि फिलिस्तीन के मुसलमानों को राहत मिलेगी और इसराइल उससे दबे का वजन बनेगा। कर आवाम को बेवकूफ बनाना चाहते हो, तुमने गधा समझा, भेड़ बकरी समझा है सबको, और तुम डिक्टेटरशिप के साथ अपनी कौमों पर मुसल्लत हो। तुम्हारी फौजें तुम्हारे आवाम को कुचलने के लिए हैं, तुम्हारी फौजें सिर्फ इसलिए हैं कि अगर कोई तहरीक इस्लामी उठे तो तुम उसका सर फाड़ दो और तुम उस उनको कुचल के रख दो, उनके लोगों को जेलों में सड़ा दो या उनको शहीद कर दो। तुम्हारी ताकत सिर्फ इसलिए है, तुम बेशर्म बेहया हो ये मुसलमान हुक्मरानों, काश के तुम्हें मौत आती, काश के तुम खत्म हो जाते, काश के मुसलमानों को तुमसे निजात मिलती। खुदा तुमसे कहता है कातिलुहुम, जंग करो इन यहूदियों से, इन मुजरिमों से, इन सहयोनियों से, सलीबियों से। कहा जा रहा है ये जो जालिम और मुजरिम है इनसे लड़ना है, बातें नहीं करना, बयानात नहीं देना, बेवकूफ नहीं बनाना और इधर उधर के किस्से तमाशे नहीं करने। फरमाया जा रहा है इनसे डरते हो, बुजदिलो तमाओ और हुकूमत के दीवानों और गैरों के गुलामों, उनके चैलो चपाटों और इबलीसी मजलिस शुरा के मेंबरों, ये सहयूनियत के सामने सर झुकाने वालों, तुम कितने बेशर्म बेहया हो, तुम्हें अपने अल्लाह का खौफ नहीं, डर है तुम्हें तो अमेरिका का डर है, तुम्हें यूरोप का डर है, तुम्हारे दिलों से अल्लाह का डर निकल चुका है, ईमान नहीं। खुदा की कसम अगर तुम्हारे दिलों में ईमान होता तो तुम्हारा ये किरदार ना होता, ये मुजरिमाना किरदार, तुम्हारा ये तमाशाबीनी का किरदार। तुम देख रहे हो कि क्या हो रहा है, मुसलसल आबादियों पर बमबारियां हो रही है, मुसलसल बच्चों और औरतों को शहीद किया जा रहा है, मकानात मकीनों के ऊपर गिराए जा रहे हैं। तुम शुरू से कहते हो अगर ऐसा किया तो, अगर ऐसा किया तो मालूम है यहूदी जानते हैं कि तुम ये सिर्फ बकवास कर रहे हो, उन्हें मालूम है कि तुम मुजदिल हो, उन्हें मालूम है कि उनके पैरों के नीचे हो, उन्हें मालूम है कि उनकी तंजीमें तुम्हारी सरपरस तुम्हारी आका है, उन्हें मालूम है कि तुम उनके गुलाम हो। और अब तुम्हारे आवाम को भी मालूम हो गया है, जो बेवकूफ बनते रहे, जिनको गधा बनाया गया, आखिर वो भी शूर की दहलीज पर पहुंच गए, लेकिन ये शूर आवाम के लिए काफी नहीं,
जिस तरह वो अमल हुक्मरानों के लिए काफी नहीं कि वो बातें करें, बयानात दें।